के सामने आए हैं, मैं चाहना वहां पे इन्होंने एनकरेज करने वास्ते बहुत सारी इन्होंने तालियां बजाई। मेरी ख्वाहिश से कि दुनिया के विच पाकिस्तान का नौजवान कितने भी चला जाए ते जो सामने आने वास्ते कोई आवाज दे तो सोचे ना कि सामने जाना है नहीं जाना नहीं, वो फौरन उठ के सामने आए, उन्हें जितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उतना इंडिया में कॉन्फिडेंस का इजहार करना। मैं तारा तारुफ भी लगाऊंगा लेकिन उसको पहले मैं और दसना चाहना कि रमादान की तहरीक से एक मजहब है तुम्हारी तहरीक की। एक पाकिस्तान से जितने मजहब के लोग ने वो कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई पश्तून है, कोई बलोचिस्तान में रहने वाला है, कोई औरत है, कोई मर्द है, सब लोग इस तहरीक का हिस्सा है। असी ना सिर्फ अपने माड़े लोगों के हक की गल कर रहे हैं बल्कि ये जी इतने मजहब की बुनियाद पर मसलक के फिरके की बुनियाद पर ऐसे तकसीम किया गया लोगों को, ऐसे लोगों के दरमियान नफरत फैलाई गई है। असी रवादारी तहरीक वालों ये नफरत को खत्म करने वास्ते भी पूरे पाकिस्तान ना सिर्फ शेखपुरा लाहौर इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान से असी इन्हें वास्ते जरूर रखता है। और मैं समझता हूँ कि आज मानावाला डिस्ट्रिक्ट की तारीख लिखी जा रही है जदों के शाहिद रफीक और उन्होंने साथियों ने ना सिर्फ एक मजहब के लोगों को बल्कि साढ़े मुसलमान भैनों भरा साढ़े मसीही भैनों भरा उन्होंने इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म से जमा करके शुक्रिया अदा करना चाहना कि तुसी आज जबरदस्त प्यार ते मुहब्बत दा मुजाहरा कर रहे हो। मैं हुण बच्चियां वल आना चाहना और मेरी गुजारिश होगी कि तुसी जरा अपना तारुफ कराओ कि तुम्हारा नाम की है, तुसी की करते हो। बसीए जिंदा जलाली मुकद्दर और पाकनामी आप सबका सलाम। मेरा नाम स्नोबर है और मेरे अबो का नाम फन्यास है और फिर आज मैं कॉलेज है और समर कैंप स्टार्ट हो रहे हैं और खुदा की मेहरबानी से पढ़ाई भी मेरी जा रही है और अच्छी तरह और मेहनत से मेरे वालिदैन मुझे पढ़ा रहे हैं। कौन सी क्लास में है आप? और ये हमारे गांव में भी बहुत बड़ा आजाद है कि गांव में किसी की बी एस सी नहीं है। सियासत जो है वो असल में इबादत है। सियासत बुरी चीज नहीं है, सियासत इबादत भी है और सियासत खिदमत का नाम है। लेकिन यहाँ पर सियासतदानों ने इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि आज सियासत जो है वो गाली बन चुकी है। हम हमारे नौजवानों को सियासत में हिस्सा लेना है लेकिन हमने किसी का आलाकार नहीं बनना, हमने किसी के पीछे लग के अपने मुल्क को तबाह नहीं करना, अपनी इमलाक को तबाह नहीं करना, तशद्दुद का रास्ता जो है वो इख्तियार नहीं करना, किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी के माल को नुकसान नहीं पहुंचाना। रवादारी तहरीक का पैगाम ये है कि हमने जदोजहद करनी है, अपने समाज को बदलना है लेकिन हमने नफरत का, तशद्दुद का, मारामारी का, इश्तियालगेजी का और गाली गलौज का रास्ता इख्तियार नहीं करना। हमने अपना पैगाम जो है वो मोहब्बत के जरिए देना है जिसका बहुत सारे नौजवानों ने यहाँ पर जिक्र किया है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। और चूंकि रवादारी तहरीक मोहब्बतों की तहरीक है, आज इस हॉल में भी आप देख लें कि मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर रवादारी तहरीक ने मोहब्बत का पैगाम दिया है कि हम सब पाकिस्तानियों ने इकट्ठे बैठना है। और आखिरी बात यह है कि इस मुल्क का निजाम अमेरिका से कोई आकर ठीक नहीं करेगा, ना बर्तानिया से आके ठीक करेगा, ना यूरोप से आकर ठीक करेगा कोई,
इस मुल्क के निजाम को इस मुल्क के नौजवानों ने ठीक करना है। लेकिन अगर हमारे नौजवान किसी का आलाकार बन गए, हमारे नौजवानों को कोई बेवकूफ बना गया, उनको इस्तेमाल कर गया, तो फिर ये मुल्क और मुआशरा ठीक होने वाला नहीं है। मैं अपने नौजवानों को तीन बातें कहकर इजाजत चाहता हूं। नंबर वन, अगर आप नहीं पढ़ रहे, किसी वजह से आपने अपनी पढ़ाई या स्टडी रोकी हुई है, तो मेहरबानी करके अपनी तालीम मुकम्मल करें। अगर आप मैट्रिक हैं तो आपको एफए करनी चाहिए, अगर आप एफए कर लिया है आपने आपको बीए करना चाहिए, चाहे आप प्राइवेट करें। अगर आपने बीए कर लिया है तो आपको मास्टर्स करना चाहिए। अगर आप मैट्रिक हैं, आगे नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करनी चाहिए, आपको कोई स्किल हासिल करनी चाहिए। ये नौजवानों को आज सबसे पहला लिया करना। दूसरी ये कि हमारी ये आदत है कि हम वेले रहना बहुत पसंद करते हैं, वेले, पूरी कौम वेली। एक बंदा घर का काम करना तो पूरा खानदान खाता है, इस तरह ही है। आप सोचे उस अकेले बंदे की क्या हालत होती है। हम ये जो वक्त जाया करने की हमें एक आदत है, वक्त जाया करना, लेटे रहना, सोए रहना। अच्छा बात सुने, 1947 में मोबाइल कोई भी था, याद रखिएगा, 1947 में मोबाइल था। मैं मोबाइल को जरा घट यूज कराया करो, किसी चज के काम में यूज कराया करो। हर वक्त जरा ना बच्चा मां, बच्चा रोन लग जाए तो पहले मां फिगर देती थी, दूध पिलाती थी, मोबाइल देती थी। इससे आपकी नस्ल खराब हो रही है। वो बच्चा जिसको आपकी फिक्र नहीं है, माँ के कहने पर वो चुप नहीं करता, वो मोबाइल के कहने पर चुप करता है। बड़ा होगा तो उसको आपकी परवाह नहीं होगी, मोबाइल की परवाह होगी। ये माएं जरा ध्यान से मेरी बात सुने, और नौजवान भी, ये मोबाइल सब कुछ नहीं है ना। जो वक्त आप मोबाइल पे जाया करेंगे आज, वो जिंदगी में आपको कभी वापस नहीं मिलने वाला। उस मोबाइल से निकलकर कुछ प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। ये नौजवान जो लड़के खास तौर पर गलियों चौकों में खड़े होकर लड़कियों को छेड़ने के लिए वक्त जाया करते, ये भी बंद करते। आप किसी की मां बहन को छेड़ेंगे तो कल को आप किसी मां बहन को छेड़ेंगे।